हेलो एवरीवन, दिस साइड योर फ्रेंड राहुल भादुड़ी प्रेजेंट विद न्यू एंड अदर कार लीक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। गाइस, ये वीडियो है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के ऊपर। आप सबको पता है स्कॉर्पियो की नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है स्कॉर्पियो एन, बट काफी लोगों को स्कॉर्पियो एन इतनी पसंद नहीं आई जितनी स्कॉर्पियो की पहले वाली जनरेशन पसंद आया करती थी, जिसे महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक का नाम दिया है। और ये स्कॉर्पियो क्लासिक आपको सेम पहले जैसे स्कॉर्पियो मिलने वाली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। जो चेंजेस है वो सिर्फ कॉस्मेटिक है। मैं आपको इस वीडियो फुल डिटेल बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और ये पुराने वाले स्कॉर्पियो से कितनी अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कुछ लोग कह रहे हैं स्कॉर्पियो एन काफी लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए महिंद्रा दोबारा से स्कॉर्पियो क्लासिक को लेकर आया। बट ऐसा नहीं है, महिंद्रा ने पहले से सोचा हुआ था, उनके लिए पहले से कंफर्म था कि जो हम स्कॉर्पियो के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करेंगे स्कॉर्पियो एन, वो लोगों को इतनी पसंद नहीं आने वाली जितनी स्कॉर्पियो क्लासिक आती है। बेसिक नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के अंदर आपको एक से फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जिन्हें आज भी स्कॉर्पियो क्लासिक पसंद आएगी, क्योंकि जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है। इस गाड़ी का लेवल एक अलग लेवल का, इसकी जो टोर है वो एक अलग लेवल की है। तो इसका और नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो का आप कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक एक अलग लेवल की गाड़ी है। जो इस गाड़ी में आपको फील मिलती है एक फन टू ड्राइव वाली, वो एक अलग ही लेवल की है। स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन काफी अच्छे होने वाले, चाहे वो फीचर्स की हो, चाहे बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे इंजन के मामले में हो, हर चीज में स्कॉर्पियो की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो काफी बेटर होगी पुराने वाली स्कॉर्पियो कंपैरिजन में। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि चाहे चीज कितने एक्सपेंसिव हो जाए, चाहे चीज में कितनी कमी आ जाए, लेकिन उन्हें चाहिए वही चीज है जिसके वो दीवाने हैं। तो वो वाली बात है, स्कॉर्पियो जो क्लासिक है उसकी फैन फॉलोइंग एक अलग ही लेवल की है। तो महिंद्रा को ये पहले से कंफर्म था कि स्कॉर्पियो क्लासिक की डिमांड 100% आएगी, इसलिए उन्होंने इसका प्रोडक्शन पहले से स्टार्ट कर दिया था। बट कुछ लोग मार्केट में फेक न्यूज फैला रहे हैं कि लोगों को नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो पसंद नहीं आई, इसलिए महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक लेकर आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, स्कॉर्पियो क्लासिक पहले से ही कंफर्म थी। तो अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक के चेंजेस को लेके। तो स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर आपको सबसे बड़ा चेंज मिलेगा वो उसकी फ्रंट ग्रिल के अंदर। आपको एकदम न्यू ग्रिल मिलती है और ये आपको क्रोम में मिलेगी। और अगर आप बात करूँ फोग लैंप्स की, तो फोग लैंप्स इधर क्लियर दिखाई नहीं दे रहे, बट जो फोग लैंप्स का डिजाइन होने वाला है वो इस बार चेंज होगा। और फ्रंट में आपको महिंद्रा का न्यू लोगो मिल जाएगा। तो महिंद्रा अपनी सारी गाड़ियों के अंदर न्यू लोगो इम्प्लीमेंट करने वाला है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक के साइड लुक्स की। तो साइड लुक के अंदर एक मेजर चेंज किया गया है जो है इसके एलॉय व्हील। आपको एलॉय व्हील पहले जैसे देखने को मिलेगा, बट इस बार इसको रीडिजाइन किया गया, आपको डायमंड कट में एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पुराने वाले एलॉय व्हील और न्यू वाले एलॉय व्हील दोनों सेम है, बस इस बार इसको रीडिजाइन कर दिया गया डायमंड कट्स के साथ। और ORVM के अंदर आपको इस बार इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एक स्कॉर्पियो क्लासिक एक नेगेटिव पॉइंट लगा, आपको टो मॉडल के अंदर भी ORVM में इंडिकेटर नहीं मिलते, फेंडर में आपको इंडिकेटर मिलेगा जैसे आपको स्कॉर्पियो बेस मॉडल मिला करता था। और अगर बात करूं मैं रियर की, तो रियर का डिजाइन भी एकदम सेम होने वाला है जैसे आपको पहले वाले स्कॉर्पियो मिला करता था, सेम आपको वैसे डिजाइन मिलेगा स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर भी। और रियर में आपको महिंद्रा के न्यू लोगो की बैजिंग मिल जाएगी और साइड में आपको स्कॉर्पियो क्लासिक लिखा मिलेगा। अगर बात करूं मैं टॉप की, तो टॉप में आपको सेम वही रूफ रेल्स मिलेगी और साथ में वही साफ एंटीना मिलेगा जो आपको पहले वाले स्कॉर्पियो के अंदर मिला करता था। और अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो क्लासिक के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस बार आपको डुअल टोन में मिल जाएगा। पहले भी डुअल टोन में आया करता था, बट जो पहले वाला करता था वो थोड़ा सिल्वर टाइप में था, और इस बार जो कलर आएगा वो आपको थोड़ा क्रीम टाइप में मिलेगा। और जहां पहले सिल्वर फिनिश में टचिंग मिला करती थी, अब वहां पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में टचिंग मिलेगी। तो गाड़ी का जो इंटीरियर पहले से काफी बेटर लगने वाला, एकदम क्लासिक टाइप की लुक देने की कोशिश करी गई है। स्टीयरिंग में आपको महिंद्रा का न्यू लोगो मिल जाएगा जो देखने में काफी छोटा लग रहा है। और स्कॉर्पियो क्लासिक का जो गियर नॉब है वो आपको न्यू मिलेगा, जैसे आपको स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन में मिलता है या फिर महिंद्रा XUV700 के अंदर देखने को मिलता है। और स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर इस बार आपको वुडन फिनिश भी मिल जाएगी, बट इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जो वुडन की फिनिश है ये बहुत पहले चला करती है, अब गाड़ियों में अच्छी नहीं लगती। अब तो पियानो ब्लैक फिनिश या फिर सिल्वर फिनिश, ये सब फिनिश अच्छी लगती है। और स्कॉर्पियो क्लासिक का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका साइज पहले से बड़ा कर दिया है, लेकिन जैसे पहले महिंद्रा की डिस्प्ले आया करती थी ये वैसी नहीं लग रही है। आपको लोकल जैसे करोबा के अंदर मिलती है या फिर आपको कहीं भी किसी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, वो वाली डिस्प्ले लग रही है देखने में। और अगर बात करूं मैं स्कॉर्पियो क्लासिक के इंजन के बारे में, तो इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का इंजन मिलेगा जो आपको थार के अंदर देखने को मिलता है। ये 130 PS की पावर देगा आपको, तो काफी कमाल का इंजन देखने को मिलेगा इस बार आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर। और स्कॉर्पियो क्लासिक ये आपको रियर व्हील ड्राइव मिलेगी, इसमें आपको कोई भी ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये गाड़ी आपको दो सीटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, 7 सीटर एंड 9 सीटर। तो देखते हैं फाइनली महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक कब लॉन्च करता है और लॉन्च करने के बाद इसके प्राइस क्या रखता है, क्योंकि स्कॉर्पियो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, काफी कमाल की प्राइस रखे महिंद्रा।
महिंद्रा ने, तो जो स्कॉर्पियो क्लासिक है इसके प्राइस महिंद्रा को नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो से कम ही रखने पड़ेंगे। तो देखते हैं फाइनली महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक कब लॉन्च करता है और लॉन्च करने के बाद इसके प्राइस क्या रखता है, क्योंकि सारा खेल प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर प्राइस इसके अच्छे हुए नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो से कम हुए तो स्कॉर्पियो क्लासिक काफी कमाल की सेल होगी, मार्केट में अच्छा खासा धुआं उठा देगी स्कॉर्पियो क्लासिक फिर से। तो देखते हैं फाइनल इसके प्राइस क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और गाइज एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट लगाना ना भूलना, और अगर आप कार चलाते हो तो आप सीट बेल्ट लगाना ना भूलना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। जस्ट नीड योर सपोर्ट, जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलना। तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मेरे को वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।